शांति और स्थिरता के लिए भारत और फ्रांस की विशेष जिम्मेदारी है। हमारे सहयोग को एक रचनात्मक स्वरूप देने के लिए हम इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन रोडमैप पर काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के प्रस्ताव पर भी दोनों पक्ष में चर्चा में है। इससे पूरे क्षेत्र में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के नए अवसर खुलेंगे। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में फ्रांस द्वारा मैरिटाइम रिसोर्स पिलर को लीड करने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। ग्लोबल साउथ के देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह चिंता का विषय है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होकर प्रयास करना आवश्यक है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इस दिशा में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हैं। राष्ट्रपति मैक्रों, इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए मैं और सभी भारतवासी बहुत ही उत्सुक हैं। एक बार फिर आपकी मित्रता और मुझे दिए गए आदर सत्कार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।